Buzz, this is your host Shubhajit, and today I have with me two people. I recently saw their work. One is somebody who is really, really dear to me, and the other person I'm pretty sure is gonna be dear to me after today. I have with me Ram Kamal Mukherjee and Avinash Dwivedi. They are talking about their latest movie, Rikshawala. Just to tell you all guys, Rikshawala has been nominated and has won several awards across many international film festivals. And right now it is available for streaming only on Big Bang app. So I have with me Ram Kamal and Avinash over here. First of all, thank you so much for joining me. Thank you, thank Thank you, you. thank you, Shubhajit. It's a It's a lovely, pleasure. lovely introduction. It's a pleasure, lovely. What I want to know is the fact ki, कोई भी कहानी हो, कोई भी मूवी हो, शॉर्ट फिल्म कुछ भी हो, फाउंडेशन इज ऑलवेज द राइटिंग एंड द डायरेक्शन. सो लेट मी फर्स्ट स्टार्ट विद रामदा द फर्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद आई क्विकली मूव ऑन टू यू. आई सॉ योर आई बीन सीइंग योर वर्क सिंस द वेरी फर्स्ट मूवी दैट यू हैव बीन डूइंग. एंड यू नो आई हैव बीन एन आर्डेंट सपोर्टर एंड एडमायरर राइट फ्रॉम केक वॉक. नाउ द थिंग विद डिफरेंट थिंग विद आई वुड से रिक्शा वाला कंपेयर टू द अदर मूवीज वॉज द फैक्ट कि यहाँ पे यू हैड द चैलेंज ऑफ शोइंग the emotional side of the cultural side of Bengal, the cultural side of Kolkata in a way, and was expected from you in a very nice way because you are a Bengali yourself. We have seen several filmmakers in the past, who are probably not Bengali, they have shown Kolkata in a different light, which we loved as well. So मुझे जो जानना है वो ये है कि as a Bengali yourself, hardcore Bengali, सिर्फ Bengali नहीं, did you have the pressure कि नहीं यार I have to kind of portray कोलकाता इन द वे पीपल एक्सपेक्ट मी टू बी. मतलब ज्यादा कुछ प्रेशर था बिकॉज ऑफ यू बीइंग अ बंगाली योरसेल्फ. Yes, that pressure was always there, and that deliberately मैंने इसीलिए I'm speaking in Hindi because that'll be better for people to understand. तो प्रेशर तो था ही, क्योंकि जब भी आप बोलते हो कि आप कलकत्ता के ऊपर फिल्म कर रहे हो या कलकत्ता की कहानी है, तो जैसे हम बॉम्बे बोलते हैं तो हमको विक्टोरिया टर्मिनस से ओपन होता है फिल्म, या दिल्ली बोलते हैं तो हम जनपथ रोड दिखाते हैं, तो कलकत्ता बोलने से ही विक्टोरिया मेमोरियल, ट्राम एंड येलो टैक्सी एंड एवरीथिंग यू शो. पर आप अगर मेरी फिल्म देखेंगे तो इसमें एक भी चीज आपको हावड़ा ब्रिज नजर नहीं आएगी, आपको सेकंड हुगली ब्रिज नजर नहीं आएगी, आपको विक्टोरिया ट्राम मेमोरियल नजर नहीं नहीं है. आएगी, आपको विक्टोरिया मेमोरियल नजर नहीं आएगी, आपको काली घाट नजर नहीं आएगी, आपको दक्षिणेश्वर मंदिर नहीं नजर आएगी. तो ये सारी चीजें मैंने जानबूझ के नहीं दिखाई है, क्योंकि ये सब शूट करना या जाके करना, इट वाज नॉट डिफिकल्ट, वी कुड हैव डन इट, बट मुझे अलग कलकत्ता दिखाना था, क्योंकि मुझे ये जो मेरे ऑडियंस है, जो मुझसे बोलते थे कि आप बांग्ला में क्यों नहीं कर रहे हो या फिल्म कलकत्ता के ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो, आपकी जो केक वॉक और सीजन्स ग्रीटिंग जो है वो हिंदी फिल्में थी, तो बांग्ला में आप जब बांग्ला में आप फिल्म करोगे तो आप और भी शहर को ज्यादा दिखाओगे. तो लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैं शहर दिखाऊंगा जरूर, लेकिन ऐसा एक पहलू दिखाऊंगा जो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं. और यही हुआ जब ये फिल्म रिलीज हुई शुभजीत, बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि अरे कलकत्ता शहर में ट्रेन भी चलती है ऐसे. हाँ बिल्कुल चलती है, और आप लोगों को पता भी नहीं है, जो चक्रो रेल जो जो चलती है, और बिल्कुल जो यू नो द व्हेन अनुराधा इज क्राइंग ऑन द टेरेस एंड यू सी द ट्रेन इज पासिंग बाय, सो वो सारे शॉट्स हैं, और लोगों को यहाँ तक कि जब मनोज भी खड़ा है और वेट कर रहा है ऊपर से, तो एक ट्रेन का पासिंग शॉट है. तो ये काफी चीजें हैं जो आज तक बांग्ला फिल्मों में लोगों ने नहीं देखा. और जिस तरीके की गली गूंचों की कहानी हमने बताई है वो भी फिल्मों में लोगों ने नहीं देखा. तो ये दो चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहता था. और बिहारी का रहना, जैसे एक रिक्शा वाले का घर होना चाहिए, किस तरह का माहौल होना चाहिए, वो सारी चीज जितनी ऑथेंटिक तरीके से बताया जा सकती है वो सारी चीजें मैंने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की. और यहाँ तक कि जो भाभी की जो ट्रैक है, जो अनुपमा का ट्रैक है, वो भी उनका भी जो घर है, हम चाहते तो हम एक ठाकुर बाड़ी टाइप दिखा सकते थे, हम एक बंगलो दिखा सकते थे जो जो टिपिकल देवदास में हमने देखा है, या हम हिंदी फिल्मों में जिस तरह से देखते आए हैं बांग्ला घर को, बुलबुल में भी हमने लेटेस्ट देखा नेटफ्लिक्स का जो एक फिल्म था, तो हम आई डिडंट वांट टू गो इनटू दैट स्पेस. तो मैंने एक लोअर मिडिल क्लास घर चुना, घर का जो इंटीरियर है वो भी मैंने बहुत रियलिस्टिक रखा. तो ये सारी चीजें, यहाँ तक कि आप जो देखोगे जो सीढ़ी से वो चढ़ के ऊपर आता है, वैसे सीढ़ियों से भी लोग काफी कमेंट्स कर रहे हैं कि ऐसे सीढ़ी आजकल अभी जो नया हाँ कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो वो जो सीढ़ी से वो हाथ से जो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है
जो रेड और ऑफ व्हाइट कलर का जो कॉम्बिनेशन है सीडी का, वो सारी चीज एक्चुअली मैंने बचपन में देखा है. मैं आई स्टेड इन नॉर्थ कैलकटा, सो आई नो एग्जैक्टली व्हाट विल लुक नाइस ऑन स्क्रीन एंड व्हाट पीपल हैव नॉट सीन. सो ऑल दोस थिंग्स आई मेड श्योर दैट वो हमारे फिल्मों में हो और लोग पहली बार देखें. How sweet is that? Because you know it's always interesting when you have in your mind ki mujhe ye dikhana hai, lekin when you have in your mind ki these are the things jo mujhe nahi dikhana hai, that is I think all the way more challenging. Movie. You know, bro, I will not be surprised agar Kolkata mein ek do mahine ke baad main logon ko dekhun, kuch rickshaw walon ko main dekhun ekdam hatte katte rickshaw wale agar mere ko Kolkata mein dikhne ko mile, I will not be surprised. मैं जरूर डंके की चोट पे कहूंगा कि मेरे दोस्त मेरे भाई का फिल्म है यहाँ पे, दैट्स कम आउट, दैट्स हाउ इट शुड ऑलवेज बी. बट यू नो रामदा, व्हाट आई वांट टू नो नेक्स्ट फ्रॉम योर एंड इज दैट आई हैव सीन योर फिल्म्स एंड आई हैव ऑलवेज पॉइंटेड इट आउट टू योरसेल्फ, यू नो टू यू पर्सनली एज वेल, कि कुछ ना कुछ अलग एलिमेंट हमेशा रहता है. एंड आई मेंशन दिस थिंग ऑलवेज व्हेन आई टॉक टू यू, यू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. एक कहानी के अंदर भी आप दूसरा कहानी एक आप कुछ ना कुछ तरीके से बता के आप चले जाते हो. लाइक यू नो आई मेंशन टू यू अबाउट दैट आलता सीन, यू नो इन पर्टिकुलर व्हिच वाज यूज्ड टू डिपिक्ट अ सर्टेन यू नो इमोशन और डिपिक्ट अ सर्टेन नैरेटिव. ये काफी अपने पहले फिल्म से यू हैव बीन डूइंग समथिंग ऑफ द अदर टू डू दैट. बट डू यू समटाइम्स फील की बिकॉज इट्स एन इंप्रेशन दैट इज बीइंग बिल्ड की चलो हाँ राम कमल की मूवी में चलो ऐसा कुछ तो होगा ही होगा. So do you sometimes feel ki yaar baad mein jaake exhaust na ho jaye, it shouldn't be like ki, you know tomorrow I have to do something like that. Do you feel that way? No, I don't take the pressure, but ye hamesha film dekhne ke baad logon ne season rating ke baad bhi kaha ki ek 45 minutes mein ya 42 minutes mein aapne itne sare jo points hai aapne kaise isko deal kiya. You are not only dealing with LGBTQIA issue, you are dealing with a mother daughter, you are dealing with an intercaste marriage, you are dealing with a transgender character, you are dealing with so many characters in that time frame. Same happened with rickshawala. Same ke aap ek rickshawala ki sirf ek kahani, ek flat kahani nahi bata rahe, usme kafi layers rakhe hain. Kyunki main hamesha believe karta hu, mere liye na ek film is like a, no, don't take my name so seriously, it's not, a film is like kamal, it's like a lotus. So it needs to unveil. Every petal needs to kind of bloom, to give the flower a full bloom look. Wow. Otherwise, there is no beauty in the flower, because you when you see a kamal, it is closed. When the kamal actually blooms, it looks beautiful when it opens up. So you have to have those layers to make it look like a full bloom flower. So I have always treated cinema like that. For me, cinema is multi-layered. Cinema cannot be flat. Cinema is like a construction. It's like a house. So will you stay in a house which doesn't have any diametrics? You definitely would not like to stay in a house like that. So it is a construction. It is an emotional construction, which is more difficult. So in the time frame that we get to create that emotional construction for audience, you need to have those layers. You need to have those multiple layers. At times I get criticized also, a very top actress, a very senior actress, after seeing season's greetings said that, you know, I couldn't understand the film because it had too many layers. And even before I could understand one layer, I was already into the other layer. So she couldn't understand. So she couldn't, you know, rate my film or review my film. But she is an actress. She's an actor who has done only international cinema and a national award winning actor. So she said that, and I was shocked that, you know, she couldn't take the multi-layer aspect of it. So it is not always that people take it in a right spirit, but mostly people have taken it in a right spirit. In case of Rickshawala also, jo aap Alta ka scene jo aap bol rahe ho, jo aapka favorite scene hai shayad, apne review mein bhi mention kiya hai. Yes, because it does show that, you know, she is getting into a relationship which is not accepted in the society. She is a married woman, and she is just randomly calling a rickshawala to have sex. Now, this is a very bold scene, I would say, in today's time to show that, because in the society or in the situation that we are in, not everybody in our society, I'll be very honest, and because we are talking about, because it's an OTT platform and we are all young people, so I would be a little uncensored. So in that case, I would say that when a man desires sex,
he can go to a red light area or hire a prostitute and meet his end, his bodily desire. What does a woman do? She doesn't have anywhere to go, which she actually says in the film. Yeah. And that's when, you know, I know there are concepts of gigolos also, there are male prostitutes, but it is not that popular or practicable, if that's a word in English, in our society. You randomly cannot, and immediately that woman who is a middle class woman, who is a mother of a daughter, will get completely stamped and tabooed in the society that, oh God, she is characterless. This will not happen if the same husband who has not touched her for 4 years goes and somebody finds him at a red light area, then the man will be like, you know, oh my God, so, you know, he's so so active sexually even now that he has actually going to red light area and having sex. Completely opposite action that the society will give. So for her, she doesn't have anybody, and so basically it was Manoj's father who was driving the rickshaw. So she didn't have that urge then. She didn't have any feeling for Manoj's father. It was only when she saw Manoj, and it was almost like aapne lottery lag gayi. So that time, and she knew that his father is going to come back in a week's time or 2 weeks' time or maybe a month. So if she had to crack this relationship, she had no time but to do it quick. So she was in a hurry to kind of, you know, get him onto bed. So even if you see in the film, like, she is pretty desperate to get him onto bed. So a lot of people have asked that, why is she like this, and why, you know, how can she fall in love instantly? It's not love. She is very clear. It is sex. There is no love. Yeah. And she even is going down to an extent saying that, I'm willing to pay you for the service. So she's very clear in her head what she wants. So I think as a woman character, Anupama is very strong. I mean, yeah, of course it is Manoj's film, but if you actually see it from a woman's point of view, all my film, like be it Aisha's character or Sarina's character or Lilji's character or here Sangeeta's character, it's very, very strong and bold. It is not a very easy character to play. I mean, any given actress would probably say no to this character, right? Right, right. Yeah? Absolutely right. Anybody would say no to this. Exactly. And you know, you mentioned a very clear point ki wo jo gender discrimination hota hai na, ki chalo ladkon ke liye to sab sahi hai, why is it not the same for women? So I think this is that movie that will answer that part ki haan, women ke liye bhi it should be the same treatment, just like how it should be. It's not a gender thing, it's a requirement that is there for every need, every gender. Moving on to you, Avinash, you know, we obviously discussed about the fact that, you know, a glamorous rickshaw wala, hard working bodybuilder, acha wala rickshaw wala jo hai, वो सब तो सही है, लेकिन यू मेंशन्ड अबाउट द पॉइंट कि यू डिडंट वांट टू मेक इट कमर्शियलाइज, ज्यादा कमर्शियल नहीं बनाना था, यू वांटेड द कैरेक्टर टू बी रियल, यू वांटेड द कैरेक्टर टू लुक वेरी रियल, लाइक अ रियल कोलकाता का रिक्शा वाला, दैट इज हाउ इट नीडेड टू बी, एंड दैट इज हाउ यू हैव एंश्योर्ड एज वेल. बट व्हाट आई वांट टू नो इज दैट व्हेन यू लुक अ सर्टेन वे नेचुरली, इट्स नॉट इजी टू सडनली एकदम घूम के एकदम, यू नो, यू कांट रियली लुक दैट वे नेचुरली कंपेयर टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू लुक. एक आपका नेचुरल बिल्ड है which has a certain significance, and you are trying to be something else. You can obviously enact, you can obviously express, but वो 100% it will not look like that, because a quintessential रिक्शा वाला अभी भी अगर हम लोग सोचते हैं एक अलग तरीके का इमेज आएगा, वो आपका वाला इमेज नहीं आएगा कि एकदम, you know, hard working, एकदम well built stout figure वाला, वो नहीं आएगा इमेज. So what I want to know is कि उस सिचुएशन में when you have that kind of a personality, how did you ensure कि वो naturalness जो है वो रहे in your character, and it shows whenever you are performing? I think in that Dada helped me a lot, because I knew that it will be difficult for me to pull this off with this kind of body. So I believe in one thing, which is eyes of an actor. So I just tried to be honest with my eyes. So if I say the correct emotion through my eyes, so I don't have to worry about my body and my physical appearance. लेकिन जब मैं वहां पहुंचा कोलकाता में, तो मैंने रिक्शा वाला उसको देखा, तो मैंने कहा मेरी तरह तो कोई भी नहीं लगता, कैसे होगा, मैं भी किसी की तरह नहीं लगता. हाँ, तो शूटिंग से एक दिन पहले मैंने मिरर में अपने बालों के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया, दाढ़ी के साथ इतना एक्सपेरिमेंट किया, और मेरे को दिख ही नहीं रहा है. मैंने कहा मैं क्या करूँ. देन आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई सेल्फ as a third person, yeah, that agar if I was a rickshaw wala to main kaisa hota andar se,
और फिर बाकी सारी जितनी प्रिपरेशन वर्कशॉप्स हुई थी उसने बहुत हेल्प किया मुझे। और इसमें एक और चीज बहुत अच्छी जो हुई वो ये हुई कि मैंने जब दादा ने मुझे कहानी सुनाई तो कहानी का नैरेटिव मुझे बहुत पसंद आया, बट मुझे उसकी एक बैक स्टोरी बनानी पड़ी। तो मैंने एक पूरी डायरी में कुछ 10-15 पेज में लिखा कि ये जो मनोज का कैरेक्टर है ये कब पैदा हुआ, इसकी लाइफ कैसे, कौन से इंसिडेंट हैं जो इसके दिमाग में रह गए। सो आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट लाइक आई हैव टू मेमोरी कार्ड्स इन माय हेड, वन इज अविनाश's मेमोरी कार्ड एंड वन इज मनोज's मेमोरी कार्ड। सो आई स्विच्ड ऑफ माय मेमोरी कार्ड एंड आई प्लेड मनोज's मेमोरी कार्ड। सो ओनली मनोज's मेमोरी इन दैट। तो मनोज की क्या क्या मेमोरीज थी जिससे जो उसकी लाइफ में उसको पीछे खींच रही हैं, और कौन सी मेमोरीज है जो उसको उसके ड्रीम की तरफ धकेल रही हैं। सो आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, मनोज's बैक स्टोरी व्हिच आई रोट एंड आई विजुलाइज्ड। Come to an end in this wonderful chat. Thank you so much, Ram Kamal Mukherjee. Thank you so much, Avinash, for joining me over here. I wish you guys all the best for everything that you do in the future. Ramda has always been very close to my heart. It's like my dear Idhar Baste hai, wo yahan pe, and Avinash as well. Really amazing work. You have a lovely career going forward. I wish you all the best. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. You've been wonderful. You've been wonderful host and a lovely, lovely questions. Very interesting questions. Yeah. Absolutely. और दिस वाज द इंटरव्यू जिसमें हमारे काफी आंसर्स भी बहुत अलग हो गए, बिकॉज यू डिग सो डीप दैट नहीं वो हर चीज में मैं एकदम वो आदत ही एकदम हर चीज के अंदर डीप घुसने का ही आदत है, सो दैट ही नो ही रिव्यूड द फिल्म बाय द वे। या आई नो आई नो बट आई सॉ इट एज वेल। Now we are friends with each other on I think Facebook. Facebook में I think we are friends with each other. Yeah. Avinash, we are friends with each other. तो अभी चलो असली जिंदगी में भी बन जाएंगे दोस्त। विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच रामला, थैंक यू सो मच अविनाश। गॉड ब्लेस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय बाय बाय।